Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो video lecture है ये based है chapter hydrogen पे जो कि class 11th का chapter है. हम पढ़ने वाले हैं आज physical and chemical properties of hydrogen. अभी तक हमने ये देख लिया था भी hydrogen की preparation किस प्रकार से किए जा सकते हैं. हमने different reactions को study किया और अब हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हाइड्रोजन की और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. जब माय डियर स्टूडेंट्स हम फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे भी हम दो तरह के हाइड्रोजन की बात करेंगे. एक तो हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 की बात कर रहे हैं. तो इन दोनों हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को भी स्टडी करेंगे. बेसिकली हाइड्रोजन चार तरह का होता है तो वो हम आज के ही लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ कवर करते चलेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करेंगे और हाइड्रोजन वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे जो हाइड्रोजन से बनते हैं कंपाउंड लाइक वॉटर, और फिर हम वॉटर को डीपली स्टडी करेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है, तो इनसे क्या होगा हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. So, इस टॉपिक के बाद कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन ही रह जाते हैं. शायद एक और लेक्चर आपको देखने को मिलेगा हाइड्राइड्स पे, उसके बाद सिर्फ कंपाउंड्स वाला काम रह जाएगा. सो हाइड्रोजन विल बी फिनिश्ड. छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा मतलब चैप्टर है हमारा, अच्छे से करना है. बच्चे पता है इसको ये सोच लेते हैं भी चैप्टर छोटा है तो हो जाएगा कर लेंगे, लेकिन आप ये देखो इसमें रिएक्शंस है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रिएक्शंस भूल जाओगे तो यही छोटा चैप्टर आपके लिए भारी समस्या क्रिएट कर देगा. इसीलिए इसको अच्छे से रिएक्शंस को नोट करना है. जो जो नई नई रिएक्शंस आपको मिलती है एज मैंने आपको पहले भी बताया था अलमीरा पे पेस्ट करना है लिखकर उसको, ताकि आते जाते उसे रीड कर लेंगे. ठीक है, अब इस पे चलने से पहले टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो. सब्सक्राइब करने का एक फायदा होता है भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, ठीक है, वो डल चुकी है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहेगा. अभी डल गई है देख लीजिए. ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो कितने बजे डली है कब डली है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो. अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां पर आप लिखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था मैंने तभी आपको बताना शुरू कर दिया था भी हाइड्रोजन जो होता है लाइटेस्ट एलिमेंट होता है. हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या है, लाइटेस्ट एलिमेंट है. सेकेंड, इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता. सो हाइड्रोजन इज कलरलेस, हाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती. ठीक है, ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, लेस का मतलब भी नहीं होना, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता. तो हाइड्रोजन किस तरह का एलिमेंट है, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है. सेकेंड ये भी हाइड्रोजन कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, साथ ही साथ ये ऑर्डरलेस है. ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी ओडोर नहीं होती, और इसके अंदर साथ ही साथ हमने बोला टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं, अब मैंने आपको बोला हाइड्रोजन जो है वो आपको ज्यादातर हम हाइड्रोजन को जब देखते हैं ना तो H2 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. हाइड्रोजन जब ऐसे एग्जिस्ट करता है डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसे एग्जिस्ट करता है. नॉर्मल टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आपको डाई एटॉमिक फॉर्म में देखने को मिलेगा, मतलब दो डाई एटॉमिक मतलब दो एटम्स की फॉर्म में, H और H कंबाइन करके H2 बना रहे हैं. लेकिन आप देखोगे अगर अकेला H की फॉर्म में आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है तो वो हाई टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेगा. जब टेम्परेचर हाई है तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ H, और जब टेम्परेचर आपका क्या है नॉर्मल रूम टेम्परेचर है तो डाई एटॉमिक फॉर्म में हमारे H2 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. तो आप यहां लिख भी सकते हो हाइड्रोजन एटम
हाइड्रोजन एटम का ब्रैकेट में भी लिखोगे इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम का मतलब है अकेला एच, ठीक है? हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है? अकेला एच. सो हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर. अकेला हाइड्रोजन एटम जो है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, बट डायहाइड्रोजन यानी कि डायटोमिक हाइड्रोजन, ब्रैकेट में डायटोमिक लिखना, लिख सकते हो मतलब H2 की फॉर्म में जब भी होता है लिख लेना H2, एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली. बहुत क्लियर थी ये चीज आपके लिए. सबसे पहली चीज लाइटेस्ट एलिमेंट है, मेरे पीछे पीछे रिपीट करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा. सेकंड चीज ये ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और साथ ही साथ ये क्या है? कलरलेस भी है, इसका कोई कलर भी नहीं होता है. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, भी एग्जिस्ट कैसे करता है. अगर हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की जो कि एच से रिप्रेजेंट होता है, तो ये आपको किस टेम्परेचर पे देखने को मिलता है? जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ये हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2 एग्जिस्ट करता है. हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H2 एग्जिस्ट करेगा. अब इसकी लास्ट जो चीज आती है भी, इसकी सोल्युबिलिटी वॉटर में कितनी है? लास्ट क्रिटिकल प्रॉपर्टी है, इट्स सोल्युबिलिटी इन वॉटर इज 21.5. इसकी जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है वो 21.5 है, ठीक है? तो आप ये देखोगे जब ये वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है तो ये एट NTP है. ये इसकी सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर, कितना ये डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, तो ये इतना डिसॉल्व होता है एट NTP. NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल है और प्रेशर भी 180 लग रहा है तो कितनी सॉल्युबिलिटी है? 21.5 लीटर्स आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ठीक है? ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की. होपफुली फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर होगी, बड़ी सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी. कुछ हमें बस ध्यान क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है ये सब चीजें तो हमें पता ही है. एक नई चीज हमें ये भी देखने को मिली भी सॉल्युबिलिटी इसकी पानी में कितनी होगी, ठीक है? तो ये तो ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. अब हम करने लगे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे. अब मैं इसको इरेज कर रही हूं. अब हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज. अब समझिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हम देख के बता सकते हैं, जो फिजिकली एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जो हमें रिएक्शंस करवा करवा के पता करानी पड़ती है. कोई ना कोई जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है ना. अब मैंने आपको बोला अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और नॉर्मल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इन दोनों के भी तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी. ये तो मैंने आपको नॉर्मल हाइड्रोजन के बारे में बता दिया. अभी हाइड्रोजन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये होता है, वो होता है. अगर मैं हाइड्रोजन की टाइप्स को खोलने बैठूं तो मैं ये देखती हूँ, एक तो ये मेरा हाइड्रोजन है नॉर्मल एच, एक मेरा H2 है, इनकी भी तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी. उसको स्टडी करने से पहले हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलने से पहले जो हमने अभी दो टाइप्स पढ़ी उनकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी. जब दोनों हैं ही अलग, एक रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनकी कुछ और भी तो प्रॉपर्टीज होंगी जो डिफरेंट होंगी. तो अब हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलने से पहले पहले ये देखेंगे कि कितनी तरह के हाइड्रोजन होते हैं. टोटल चार तरह के होते हैं, ये दो भी है इनकी तरह, दो और भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो पहले अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं डालेंगे, अब डालेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. यस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली टाइप आती है हाइड्रोजन की, देखिए, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स. ब्रैकेट में लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म. सबसे पहली टाइप आती है हाइड्रोजन की, न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स. सेकेंड जो आती है वो लिखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन. कौन सा? एटॉमिक हाइड्रोजन. थर्ड जो टाइप आपको देखने को मिलती है दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट
हाइड्रोजन, और चौथी जो आपको देखने को मिलती है वो होती है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो बेसिकली आपको हाइड्रोजन जो है वो इन चार फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहली फॉर्म होती है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, जिसके अंदर हम ऑर्थो फॉर्म और पैरा फॉर्म को स्टडी करते हैं। सेकेंड होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, जो कि अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। एटॉमिक हाइड्रोजन यानी कि ओनली एच, जो कब एग्जिस्ट करता है, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, राइट। और थर्ड जो है वो है नेसेंट हाइड्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही न्यू टर्म है आप सबके लिए ये। लास्ट है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एब्सॉर्ब्ड नहीं, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी भी इसमें भी क्या होता है। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सारों को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वाला जो आपको मैंने लिखवाया, सबसे पहले वाला है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स, जिसके अंदर मैंने आपको बोला ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म। तो देखिए, ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म, ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को कि ऑर्थो और पैरा फॉर्म हाइड्रोजन की जो पहली टाइप है वो क्या है। तो देखिए इस चीज को, ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म किस में एग्जिस्ट करती है, क्या ये एटॉमिक हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करती है, डाई हाइड्रोजन में। तो जब हम एच टू को देखते हैं ना, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एच टू यानी कि डायटॉमिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थो फॉर्म और दूसरा कौन सा होता है हमारा, पैरा फॉर्म। अब ऑर्थो और पैरा नाम क्यों रखा गया, क्या रीजन था इसके पीछे, देखो एच टू का मतलब क्या होता है पहली चीज समझेंगे। अभी तक मैंने आपको एक बार दोबारा बताती हूँ मैंने क्या बोला। मैंने आपको बोला टोटल चार टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, ये चारों टाइप्स मैंने लिख दी। अब मैं सबसे पहले वाली स्टडी कर रही हूँ, ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म। ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म जो है वो कहां से आया, कहां से ओरिजिनेट हुआ, तो मैंने आपको ये बोला भी जो हमारा डायटॉमिक हाइड्रोजन होता है, एच टू होता है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑर्थो फॉर्म में और पैरा फॉर्म में, ठीक है। यानी कि सिंपल एच के अंदर आपको ऑर्थो और पैरा फॉर्म नहीं देखने को मिलेगी, एटॉमिक हाइड्रोजन में ऑर्थो और पैरा फॉर्म नहीं होती, ओनली एंड ओनली हमें एच टू के अंदर देखने को मिलती है, डायटॉमिक हाइड्रोजन में देखने को मिलती है। अब समझेंगे ऑर्थो और पैरा फॉर्म बेसिकली है क्या, तो ध्यान से इस चीज को देखो। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है एच टू कैसे बना होगा, एच प्लस एच से बना होगा एच टू, मानते हो एक हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तभी दो हाइड्रोजन बने, एच टू बना, डायटॉमिक हाइड्रोजन बना। अब आप जनरल पीरियोडिक टेबल जब देखते हो तो हाइड्रोजन का कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन एटम को, एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर वन, तो इसको वैसे लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर वन, यहां से क्या बन रहा है, एच टू बन रहा है। इनको रिप्रेजेंट करना हो मैंने अगर इनके डायग्राम के फॉर्म में, तो देखो क्या होता है, मेरा ये है न्यूक्लियस और ये मेरा है शेल, मानते हो, प्लस इसका मेरा न्यूक्लियस और ये मेरा है शेल, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एच टू। अब ध्यान से देखो, एच टू दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब दो कंडीशन अराइज करती है, पहली कंडीशन ये होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कितने प्रोटॉन्स है इसमें, एक प्रोटॉन है, क्योंकि z इज इक्वल्स टू वन होता है, तो मतलब एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने, ध्यान से देखिए इस चीज को समझिए ध्यान से, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, वन माइनस वन जीरो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वन, क्योंकि न्यूट्रल है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन जीरो है, प्रोटियम वाला केस है। तो देखो मैंने आपको बोला है जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे है, अंदर, कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो मैं ऐसे अंदर लिख दू 1p, ऐसे इसके अंदर लिख देती हूँ 1p, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसका वन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस शेल के अराउंड, और एक प्रोटॉन मैंने अंदर दिखा दिया। अब देखो, अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे, मेरे को एक चीज बताओ, जब भी हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनता है, हर इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पिन होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ, मानते हो, याद है, एक होता था ना स्पिन, एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, इनमें से कोई भी एक हो सकती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ कब होगी, माइनस हाफ कब होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अब मान लो ये ऐसे था, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, जब एच टू बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन की अपर स्पिन होगी, एक की लोअर स्पिन होगी, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा,
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा देते हैं भी, ये क्या चल रहा है क्लॉकवाइज, और ये इलेक्ट्रॉन क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है ना। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ के एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, कि ऐसे है ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज दिखा दिया मैंने, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। आपको इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। ऑर्थो और पैरा फॉर्म कहाँ पर फर्क करता है? ऑर्थो और पैरा फॉर्म कंसर्न होता है न्यूक्लियस से। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स तो दोनों में ही जीरो है, प्रोटॉन्स कितने हैं वन वन है। अगर आपके प्रोटॉन्स पैरेलल स्पिन में, अब देखो आपको एक जनरल केस बताती हूँ, जनरल केस में मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, फिर आपको ये मैं प्रॉपरली समझाऊंगी। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है। आप इस चीज को समझते हो, इस चीज को समझते हो ना कि इलेक्ट्रॉन के, मतलब ये जो प्रोटॉन है ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और प्रोटॉन अपनी खुद की एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन प्रोटॉन पहले केस में अगर मैं कहूं भी प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन दोनों पैरलर, दोनों मतलब सेम एक्सिस से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज। प्रोटॉन की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की नहीं कर रही हूँ। अगर दोनों प्रोटॉन की, बोथ प्रोटॉन रिवॉल्व पैरलर, अगर ये दोनों पैरलर रिवॉल्व करते हैं तो ये होती है ऑर्थो फॉर्म। और अगर एक प्रोटॉन पैरलर है, मान लो जैसे ये है हमारा, ये प्रोटॉन है ये तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और ये वाला जो प्रोटॉन है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एंटी पैरलर है, तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी पैरा फॉर्म। अब मैं आपको समझाती हूँ मैंने अभी तक क्या बताया, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा हमारे टॉपिक की और मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन चार तरह से एग्जिस्ट करता है। पहली फॉर्म होती है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स। न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स का मतलब देखो, अब आपको समझ आएगा, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, आइसोमर का मतलब भी दोनों है सेम लेकिन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पर पैरलर स्पिन है, यहाँ पर एंटी पैरलर स्पिन है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो जाएंगे ठीक है। तो न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स ये दोनों है, ऑर्थोफॉर्म और पैराफॉर्म ठीक है। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया कैसे, देखो मैंने आपको बोला ऑर्थो और पैराफॉर्म जो है वो सिर्फ H2 के केस में देखी जाती है, सिंपल H के केस में नहीं देखी जाती। तो H2 एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ऑर्थो फॉर्म में और पैराफॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। फिर देखो मैंने कैसे बोला भी H2 बनेगा कैसे, H2 का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से H2 बनेगा, तो एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन H2 बनाएगा। मैंने आपको बोला अभी जैसे हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको वैसे रिप्रेजेंट करो और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताओ, तो मैंने इनको वैसे लिख दिया। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखिए तो न्यूट्रॉन जीरो है, प्रोटियम ही है, जनरल हाइड्रोजन जो हम लेके चलते हैं प्रोटियम लेके चलते हैं ना, ये तो मैंने आपको आइसोटोप सिखा दिए, लेकिन जब आप एटॉम को देखोगे पीरियोडिक टेबल तो उधर प्रोटियम ही लगा हुआ है ना, आइसोटॉप तो नहीं हाइड्रोजन का मेंशन, प्रोटियम ही मेंशन किया हुआ है, तो हम प्रोटियम ही लेके चल रहे हैं ना। अब देखो मैंने देखा अभी प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है और न्यूट्रॉन है जीरो। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कितने आगे न्यूट्रॉन जीरो, यही हम, ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर और यही होता है प्रोटॉन्स और यही होता है इलेक्ट्रॉन्स। किस केस में, अगर न्यूट्रल है ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक प्रोटॉन आ गया और न्यूट्रॉन जीरो आ गया। अब हमने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका किया, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है तो मैंने बीच में पॉजिटिव बनाया और उसके अराउंड शेल बना दिया, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर ही रहा है, पर न्यूक्लियस के जो ये प्रोटॉन्स है ये भी अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करते हैं। मैंने आपको बोला एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ क्लॉकवाइज में जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में, तभी H2 बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो एक ऊपर स्पिन है एक नीचे स्पिन है, तो एक क्लॉकवाइज में दिखा दिया एक एंटी क्लॉकवाइज में दिखा दिया। हमें इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है क्योंकि पहली टाइप पर न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स यानी कि न्यूक्लियस से लेना देना है। तो जब मेरा न्यूक्लियस से लेना देना है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स तो जीरो है, प्रोटॉन कितने हैं एक है। अगर दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक पैरेलल रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑर्थो फॉर्म कहलाती है। लेकिन अगर एक जा रही है क्लॉकवाइज एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल कंडीशन हो जाएगी और उस फॉर्म को हम बोलेंगे पैरा फॉर्म। तो ये होती है हमारी ऑर्थो फॉर्म और पैरा फॉर्म।
ठीक है, तो होपफुली मैंने आपको फर्स्ट काइंड ऑफ मतलब ये समझा दिया हाइड्रोजन, जिसे हम न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स कहते हैं। अब हम देखने लगे हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमारा होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। फटाफट से वीडियो को पॉज करके उसको नोट करोगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, कई चीजें ऐसी होती है जो जब मैं बोलती हूँ आपको तब ज्यादा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू रिटन मटीरियल। तो जो आपको मैं बोल रही हूँ और आपको लग रहा है भी हाँ ये बेनिफिशियल है और मैम ने बोर्ड पे नहीं लिखा लेकिन वो समझाने वाली चीज थी, तो आप क्या करोगे, साइड पे सर्कल बना लो, ब्रैकेट बना लो, क्लाउड बना लो, स्टार बना लो, उसके अंदर उसे लिख दो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखो, ताकि आपके खुद के नोट्स ही आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, मेरे से नोट करो, लेकिन कई चीजें होती है समझने वाली, तो उसको अपनी लैंग्वेज में ब्रैकेट्स में लिख लो साइड पे। अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे, जो कि है एटॉमिक हाइड्रोजन। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब आती है सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। उससे पहले ना मैं आपको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा फॉर्म जो है वो डायग्राम इसमें पहले यहाँ पे बना देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो नीचे हो गया था थोड़ा सा, तो होपफुली किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ दोबारा देख लो। ऑर्थो फॉर्म का डायग्राम देख सकते हो, ये मैं बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा ही बना लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, उसके अराउंड जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऐसे ही मैंने एक और बनाया न्यूक्लियस और ये मैंने बना लिया शेल। ठीक है, तो दोनों फॉर्म हमें शो करनी है ना, न्यूक्लियस और ये शेल, न्यूक्लियस और ये शेल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रिवॉल्व करेगा, एक करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक करेगा क्लॉकवाइज मान लो और दूसरा कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का यही रहेगा अरेंजमेंट, चाहे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो चाहे उसको क्लॉकवाइज कर दो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के स्पिन पे डिपेंड करता है। ये पहली टाइप थी ना। हाँ, अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बोला भी एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन यहां प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन यहां प्रेजेंट होता है। अब अगर प्रोटॉन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, ध्यान से समझिए, मैं दूसरे कलर का चौक लेते हो वो कलर और अच्छे से दिख जाएगा। हाँ जी, अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन्स अपनी एक्सिस के अराउंड, तो वो क्या हो जाते हैं, ये कौन सी कंडीशन है, ये पैरलर कंडीशन है, दोनों पैरलर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ऑर्थो फॉर्म हो जाएगी। नीचे वाला देखिए, यहाँ देखिए, अगर एक प्रोटॉन तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल चल रहे हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ प्रोटॉन को कंसीडर कर रही हूं, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, पैरा फॉर्म। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर सेकेंड टाइप शुरू करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब देखिए सेकेंड टाइप है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन देखो कब बनता है, हम क्या करवाते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स की हेल्प से H2 मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं। H2 मॉलिक्यूल जो अपना होता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल होता है ना, दो एटम से मिलके बना है मॉलिक्यूल। जब मैंने इस H2 का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया तो यहां से मेरा क्या बनेगा, यहां से मेरा बन जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन। यहां से क्या बनेगा, एटॉमिक हाइड्रोजन। मैंने H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स, तो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होकर किसमें टूट गया, एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट गया। इसके बाद अपन रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, पक्का ठीक है। देखिए इसको ध्यान से लिखिए, एक चीज और लिखेंगे, द लाइफ स्पैन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होती है, ज्यादा देर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लाइफ स्पैन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना 1/3 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/3 पार्ट, इतना मतलब लाइफ टाइम होता है इसका, एटॉमिक हाइड्रोजन का।
ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन हम कैसे बनाते हैं? H2 मॉलिक्यूल का जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाएंगे तो ये बनेगा। ये भी आप लिखोगे इसके अंदर, इट इज मोर रिएक्टिव। मैं दूसरा ले देती हूँ चौक, मोर रिएक्टिव, जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन H2। डायटॉमिक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जो रिएक्शन है ये 435 किलो जूल पर मोल पे अकर हो रही है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इट इज मोर रिएक्टिव देन दिस, एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, 1/3 पार्ट होता है 1 सेकेंड का। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में यही था। भी एटॉमिक हाइड्रोजन हम कैसे बना सकते हैं? जब हम H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं तो एटॉमिक हमारा हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, मतलब एटम की फॉर्म में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द लाइफ स्पैन जो उसका होता है बहुत शॉर्ट होता है, अराउंड इतना होता है, और ये मोर रिएक्टिव होता है देन H2। अब हम चलने लगे हमारी थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन पे, जिसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आती है थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जिसे कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। ये मैंने आपको वैसे तो करवा रखी है, लेकिन तब आपको पता नहीं था रिएक्शंस में भी ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है। देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट्स। हम इन ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन को। जब भी नेसेंट हाइड्रोजन लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे H। इसका मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये बनता कैसे है नेसेंट हाइड्रोजन? अभी एटॉमिक हाइड्रोजन तो बता दिया कैसे बनता है। ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आ जाए तो वो नेसेंट हाइड्रोजन है। प्रिपरेशन देखो इसकी, जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी जब मैंने आपको भी शायद प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर मैंने शायद कब करवाया, देखिए, जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं और इसको हम एसिड और बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, तब हमारा जो है ये प्रोड्यूस होता है नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए, जैसे मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए तो मैंने इसको ट्रीट करवाया डाइल्यूट HCl से, तो यहां से मेरा बनेगा ZnCl2 और यहां से मेरा बन जाता है हाइड्रोजन। कौन सा? नेसेंट हाइड्रोजन। बैलेंस करें इक्वेशन को तो इसके आगे 2 लग जाएगा और इसके आगे भी क्या लग जाएगा? 2। तो यहां से हमारे 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी करवाई है। ठीक है, क्या किया मैंने? जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा, तो यहाँ से ZnCl2 बना और नेसेंट हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट में शो कर दिया, यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म हुआ। अब देखिए, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया, अब मैं NaOH के साथ करवाती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से ये रिएक्शन भी पहले आपको करवा चुकी हूँ, इससे बनेगा Na2ZnO2 और यहां से नेसेंट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप बैलेंस करोगे तो इसके आगे 2 लग जाएगा और इधर भी आगे यहाँ 2 लग जाएगा। सिमिलरली आप इसके रिएक्शंस एल्यूमिनियम के साथ भी करवा सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ भी HCl और NaOH के साथ करवाओगे तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, चाहे तो खुद से अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी नेसेंट हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। अब नेसेंट हाइड्रोजन का रोल कहाँ है, कहाँ ये यूज होता है? तो ये जब भी नेसेंट हाइड्रोजन को हम किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, किसी कलरफुल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कंपाउंड के साथ करवाते हैं, तो वो उसको डीकलराइज कर देता है, उसका कलर चेंज कर देता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने 3 रिएक्शंस लिखी हैं, जिसके अंदर आपको ये प्रूव होता है कि जब हम नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो वो जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है उसको डीकलराइज कर देता है, यानी कि उसका कलर चेंज कर देता है। तो देखिए, जैसे FeCl3 जो कि येलो कलर का होता है, हमने उसे नेसेंट हाइड्रोजन जिसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उससे रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से HCl प्रोड्यूस हुआ और FeCl2। तो जब हमने देखा भी FeCl3 जो है FeCl2 में जब कन्वर्ट हुआ तो उसका जो येलो कलर है वो डी कलराइज कर गया, कलरलेस हो गया वो। सेकेंड रिएक्शन देखिए क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन है KMnO4 जो कि पर्पलिश वॉयलेट कलर की होती है, इसे हमने नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, यहां से प्रोड्यूस हुआ KOH, MnO2 और वॉटर।
अब इसका भी कलर क्या हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। लास्ट रिएक्शन देखिए, K2Cr2O7 को जब हमने नेसेंट हाइड्रोजन और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर से जो है वो ग्रीन कलर में शिफ्ट हो गया और Cr2SO4 कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहां से ऑरेंज से ग्रीन में स्विच होना नेसेंट हाइड्रोजन के कारण है। सो ये थे यूजेस नेसेंट हाइड्रोजन के, भी ये डीकलराइज कर देता है उस कंपाउंड को जिसके साथ वो रिएक्ट करता है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रोजन की तरफ जो कि है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। उससे पहले इन तीनों रिएक्शंस को आप नोट डाउन कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब आती है फोर्थ टाइप जिसे कहा जाता है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। एडसॉर्ब का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाना। देखिए फर्क समझिएगा, एब्सॉर्ब का मतलब होता है और एडसॉर्ब का क्या मतलब होता है। आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने स्पंज लिया और उस स्पंज को मतलब उस पानी में डाल दिया, और मान लीजिए पानी का कोई कलर था रेड मान लीजिए, आपने उसको डाला तो स्पंज ने क्या किया, वो सारा का सारा कलर उसके अंदर तक चला गया, स्पंज के अंदर तक वो कलर चला गया। तो वो होती है एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्ब होना, एब्सॉर्ब होना। अब अगर मैं बोलूं भी ये चौक है, ठीक है, इंक मैंने ली एक पेपर पे, इंक फैला दी और चौक को उसके ऊपर रख दिया, वो अब इंक इसके ऊपर आ गई चौक के ऊपर चारों तरफ, लेकिन वो चौक के अंदर नहीं गई, तो वो हुई एडसॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब होता है अंदर घुसना और एडसॉर्ब का मतलब होता है ऊपर ऊपर होना लेकिन अंदर तक नहीं जाना, तो ये होती है एडसॉर्प्शन। तो देखिए, पेनिट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम थ्रू सरफेस, मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर पेनिट्रेट होगी, सरफेस के अंदर नहीं जाएगी, कैन लीड टू एकोमोडेशन ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सर्फेस, यानी कि उस सर्फेस के अंदर हाइड्रोजन एकोमोडेट हो जाएगा और वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। वेजिटेबल ऑयल को जब हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं तो हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो हमारा वेजिटेबल घी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट टाइप, बस इसके अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, जब भी वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है तो जो हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। तो यहीं पर हमारी जो फोर्थ टाइप है वो भी फिनिश होती है, सिंपल सी थी ये। यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर भी फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको कुछ चार पॉइंट्स बताए और आपको बताया भी डायहाइड्रोजन होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। फिर मैंने कहा भी आपको इनको स्टडी करने के लिए भी इनके टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स देखिए तो सबसे पहले देखिए ऑर्थो और पैराफॉर्म, फिर देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर देखिए नेसेंट हाइड्रोजन, और अब देखिए एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर किया और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है। इसकी कोई डीपीपी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद एक साथ फिजिकल और केमिकल की डीपीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो लेक्चर को जरूर अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा रिएक्शंस को एंड इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैंने आपको बताया ऑर्थो एंड पैराफॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।